इस मोड्यूल में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये हम पढ़ने जा रहे हैं और इसको दो हिस्सों में हम मॉड्यूल्स uh, हैं या दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है तो तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि वो सिस्टम विच इज़ मेनली कंसर्न विद द इनहेलेशन एक्सलेशन और फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये तमाम जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट लाइफ की प्रॉपर्टीज़ uh, में से एक प्रॉपर्टी है विच इज़ रेस्परेशन तो इसके अंदर एयर कंडक्टिंग पोर्शन है और दूसरा है गैस एक्सचेंज पोर्शन तो एयर कंडक्टिंग पोर्शन से मुराद ये है कि वो पैसेज वेज द दास्ट्रेल डाउन इनटू डीप इनटू द लंग्स तो ये सारे के सारे ये पैसेज वेज है जिसका हम जिक्र करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर तो एयर पैसेज वेज दैट कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रेल्स दैन ने कैविटीज लेरिंगस फेरिंग्स

दे आर नाट स्मूथ फ्राम इनसाइड बल्कि कुछ कुछ रीज हैं टू इनक्रीज दर्फिस एरिया और यहीं पर जरा सो मैनी सिलटेड सेल्स हैं और uh, इस बिल्कुल टिप के ऊपर हेयर भी हैं जो कि फिल्ट्रेशन करते हैं हेयर की एयर एयर की फिल्ट्रेशन करते हैं और फिर यहाँ से इट मूव डाउन इन टू द फेरिंग ये फेरिंगस जो है ये कॉमन पैसेज वे है किसके लिए एयर के लिए भी और फूड के लिए भी तो देन इट लीड्स द लेरिंग्स लेरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड ए साउंड बॉक्स इसके बाद ये ट्रे आता है ट्रेकिया आगे फिर चेस्ट कैविटी के अंदर जाके इन डिवाइज इंटू टू और ये जो दो डवियंस हैं इन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं सिंगल इज ब्रोंकस राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस तो कलेक्टिवली प्लूरल दैर इज ब्रोंकाइल और उसके बाद ये फिर दे डिड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म वेरी स्मॉल एयर कैपिलरीज विच लीड सेक्स विच आर कॉल्ड एज दलवाई तो ये वो पैसेज वेज हैं राइट फ्रॉम नोस्टल डाउन इन टू द एलव्यूलाई तो एयर एंटर्स एज एयर एंटर्स थ्रू नोस्टल्स अप टू द एलव्यूलाई एयर इज़ फिल्टर्ड मॉइस्ड एंड एंड कंडीशनड तो इसमें जैसा कि पहले भी हो गया जिक्र जो हेयर हैं दे फिल्टर एयर इसके बाद फिर ये नेजल कैविटीज़ आ जाती हैं वहाँ पे म्यूकस है तो वो एयर को मॉइसन करती हैं क्योंकि इफ़ द एयर इज़ वेरी ड्राई तो ये डायरेक्टली अगर लंग में ड्राई एयर चले जाए तो वो फिर इरीटेशन होती है और फिर कफिंग शुरू हो जाती है तो इसलिए ये बहुत इसको कंडीशन करके बल्कि टेम्परेचर भी थोड़ा सा ह्यूमन uh, टेम्परेचर तक आ जाता है वो एयर वो एयर उसके बाद ये फिर दिस इज़ वाट इज़ कॉल्ड इज़ कंडीशनिंग तो एयर इज़ फिल्टर्ड मॉइसर्ड एंड देन कंडीशनड उसके बाद ये फिर एयर मूव करती है इन साइड तो इन द फेरिंग्स द ट्रैफिक ऑफ एयर एंड फूड इज कैप्टॉपरली चैलेंज कंप्लीटेड या चैनल चैनल्ड बाई फ्लैप लाइक एपिग्लॉटिस तो ये एक फ्लैप है कि जब ये एक मस्कुलर फ्लैप है और uh, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये फूड और एयर की ट्रैफिक को मेंटेन करता है तो एल्वियोलाई या सिंपल लेयर्ड एंडोथीलियल सेल्स और ये एपिक्लॉटिस को हम अगली डायग्राम में देखते हैं कि ये कहाँ है तो ये ये नेजल कैविटी उसके बाद ये ये इसके अंदर ओरल कैविटी है जस्ट अब टंग और दरमियान में ये पैलेट है हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट ये फेरिंग्स है और ये एपिक्लॉटिस है तो ये एपिक्लॉटिस जो है ये एक लाइक स्ट्रक्चर -like है जो कि फिर ओ, ओ, ये फिर जो एक एयर की जो एक विच इज कॉल्ड द एयर डक्ट या ट्रेकिया है उसको उसके उसके ओपनिंग को बंद करता है क्योंकि अगर फूड एनगल्फ किया जा रहा है तो ये फिर ये उस आ, जो फेरिंग्स की कैविटी को या फेरिंग्स के ऊपर लिड लाइक स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा और जिससे ये फिर बंद हो जाएगा तो ये फूड जो है ये फिर उधर नहीं जाएगी बल्कि इसोफेगस के अंदर या इट विल मूव डाउन टू दीन टूवर्ड्स दी ये दिस पार्टिफिक द लेरिंगस जिसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं तो यहाँ पे ज़िक्र जो है वो एपिग्लॉटिस को समझना है कि ये क्या है और क्या करता है और कहाँ है और ये है एलवई के जब ये बहुत ही ये डिजेंबल करते हैं यूं समझें कि जैसे ग्रेप्स का बंच है और इसके ऊपर दर इज द रिच ब्लड सप्लाई तो दीज आर दल्विलाई और ओवरलाइंग दलविलाई देर इज रिच नेटवर्क दे आर सराउंडेड बाय वेरी फाइन कैपिलरीज विच आर ऑब्वियसली आर द ब्लड कैपिलरीज प्रोवाइडिंग साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज द एयर पैसेज आर केप्ट फ्रॉम कोलैपसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी एयर पैसेजेस हैं दे दे डोंट देप्स बल्कि दे रिमेन ओपन ये ये कैसे हाउ डू दे रिमेन ओपन क्योंकि ये जो ट्रे किया है दिस इज सराउंडड बाय इट इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजनस सी लाइक रिंग्स विच आर कार्टिलेजनस तो ये कोलेप्स नहीं करती और इसके बाद फिर ये उसमें जब ब्रौंक, ये ब्रोंकाई में आते हैं तो ये जो एयर जो ये रिंग्स हैं ये बिल्कुल सराउंड कर लेते दे आर जस्ट लाइक यू समझें कि इट इज दर इज दे आर नॉट सी लाइक बल्कि दे आर ओ लाइक इसमें कोई गैप नहीं है और जिसकी वजह से ये जो ब्रॉक्यूल्स हैं ये भी कुलैप्स नहीं करती ये भी सिंस दे आर सपोर्टेड बाई मैनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स कंप्लीट रिंग्स हैं उसके बाद जब ये ब्रॉन्कील्स में आते हैं तो यही रिंग लाइक या फिलिजनस रिंग्स जो हैं वो ग्रेजुअली प्लेट्स से बन जाती हैं बहुत स्मॉल टाइनी प्लेट्स ये प्लेट्स जो हैं वो भी उन एयर को तो कोप्स नहीं होने देती तो ये है आ, कि एयर पैसेजेस दे डू नॉट दे डू नॉट कोलेप्स बट दे रिमेन ओपन क्योंकि एयर इज टू पास थ्रू इट और अप टू द एलबाई तो द ब्रोंकियोल्स टोटली लैक देन कार्टिलेज बट मेड अप मेनी सर्कुलर देन स्मूथ मसल्स तो जहाँ जहाँ वो जैसे हमने जिक्र किया कि फर्स्ट इज ट्रेकियान ट्रेक द्रोंकआई ब्रोंकियाईल इंट वेरी स्मॉल डक्ट्स और फिर ये एंटर होते हैं इस एयर सैक्स के अंदर तो वहाँ पे द ब्रांक्योल्स टोटली लैक कार्टिलेज बट मेड ऑफ मैनी सर्कुलर स्मूथ मसल्स तो यहाँ यहाँ तक वो सारे के सारा इज ऑल पैसेज वे जिसका हमने जिक्र किया तो दिस इज ऑल अबाउट